हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सुपर प्लम्बिंग के ऊपर। आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं आप देख सकते हैं, ये है गैस गीजर। जैसे इलेक्ट्रिक गीजर आता है, सोलर गीजर आता है, उसी तरह ये रहा हमारा गैस गीजर। ये 6 लीटर का वीगार्ड का गीजर है। इसे अब हम अनबॉक्स करते हैं। तो अब हम देखते हैं, हमने ये कस्टमर के पास लगाया हुआ है। सबसे पहले मैनुअल कवर आएगा, इसके गारंटी वगैरह जितनी भी प्रोडक्ट की चीज़ें हैं ये सब आपको मिलेगी, बस इसे फुलफ़िल करना है। उससे साथ में ही आपको ये क्लैंप, नट बोल्ट, स्क्रू, रबर के वाइसर, ये सब चीज़ें हमें कंपनी के थ्रू ही मिलेगी। तो आप ये देख सकते हैं, तो इजीली हम क्या करेंगे, इसे सब स्क्रू वगैरह जो है, रॉल प्लग, जितनी चीज़ें हमें इंस्टॉलेशन को लगती है वो सभी चीज़ें हमें कंपनी ने दी हुई है। ये जो प्लग है ये हमारे को गैस का जो पॉइंट होता है वहाँ पे हमें ये लगाना है। जब भी हम गैस का पॉइंट लगाते हैं गैस, वहाँ पे रबर वाइसर लगाना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं, अगर रबर वाइसर अगर हमने लगाया वहाँ पे तो गैस लीकेज जो होती है वहाँ से प्रॉब्लम नहीं आएगा गैस लीकेज का। तो इस तरीके से यहाँ पे सब दिया का लिखा हुआ है, दिख सकते हैं आप, गैस इनलेट, आउटलेट और गैस इनलेट। बस ठीक तरीके से इसे पढ़े और उसी तरह से हमें इंस्टॉल करना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल लगेंगे, जो हमारे रेडियो में बड़े सेल आते हैं वो सेल यहाँ पे लगेंगे। तो इसे इलेक्ट्रिक की पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम सेल जो है हमें लगाना है, बस माइनस प्लस वाला पॉइंट हमें ठीक से चेक करना है, उस तरीके से हमें फिटिंग करना है। कभी कभी गैस उल्टा लगाते हैं तो वर्कआउट नहीं होता है, तो बस वहाँ पे ध्यान दें। तो ये लगाने के बाद जो है ये 6 महीने या मैक्सिमम 1 साल के अंदर तक हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। 1 साल तक ये आराम से हमारा सेल चल जाता है। तो इस तरीके से गैस ये आप देख सकते हैं लॉक, ये लॉक जो है हमें क्या करना है, अच्छे तरीके से लगाना है। ये लॉक लगाने के बाद हमें नीचे से और एक सेफ्टी लॉक कंपनी ने दिया हुआ है। तो इस तरीके से गाइज ये होगा हमारा नॉर्मली इंस्टॉलेशन। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो ओल्ड है कस्टमर का गैस गीजर, हम उसे रिमूव करेंगे। ये जो लाइन है ये है गैस की लाइन, जो इनलेट जो होता है गैस का, ये इनलेट लाइन है। हम इसे बस ओपन करेंगे और एक जो है हॉट वाटर एक जाएगा और एक कोल्ड वाटर है, इसे भी हम क्या करेंगे अभी रिमूव करेंगे। तो इस तरीके से गाइस जो हम क्या करेंगे, अब इस इनलेट आउटलेट पाइप को भी हम रिमूव करेंगे इजीली। ये जो स्टोर पानी था वो निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे अभी ये ओल्ड वाला जो गीजर है हम अब निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, जो नया वाला जो वीगार्ड का जो हमारा गीज़र है, गैस गीज़र 6 लीटर का, यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे। तो पुराने वाले जगह पे ही बैठेगा। एक बात हमेशा ध्यान रहे कि जब भी हम गैस गीज़र बटा रहे हैं तो ऊपर से 6 इंच और साइड से 6 इंच हमें गैप चाहिए, ताकि वेंटिलेशन बना रहे। जब भी अंदर गैस जब लगती है तो बर्निंग होता है, तो हमें वेंटिलेशन की भी ज़रूरत होती है। तो ये गैस बात हमेशा ध्यान रखें। तो ये देख सकते हैं आप, गैस का वगैरह जो है सब लिखा हुआ है नीचे, इनलेट आउटलेट। अब हमें इसे जैसे मैंने बताया था वैसे लगा के हमेशा हमें इसे फिट करना है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी पॉइंट्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं, साथ ही साथ हमारे को यहाँ पे एक सेफ्टी वाला ऑप्शन भी दिखाई देगा, चाइल्ड सेफ्टी। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है ऑन ऑफ का, ये एक बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है। कोई बच्चा अगर बार बार नल अगर ऑन ऑफ़ कर रहा है तो हम यहाँ से हम ऑफ़ कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं हम फिटिंग। तो ये गैस वाला जो पाइप है हम गैस के इनलेट में हम अब फिक्स करेंगे। वाइसर डालना मत भूलिएगा, जैसे कि मैंने बताया था गैस लीकेज का प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए रबर वाइसर जो है हमें कंपलसरी वहाँ पे फिट करना है। उसके बाद इनलेट और आउटलेट भी हम फिट करेंगे। इससे पहले अच्छी तरह से हम पोपट पाना या जो प्लम्बर का टूल्स होता है उससे हम फिट करेंगे। अब ये रहा आउटलेट, फर्स्ट वाला जो दिख रहा है वो इनलेट है, वहाँ से कोल्ड पानी इनलेट होता है और यहाँ से हॉट वाटर जो है वो निकलता है। तो सबसे पहले हम कोल्ड वाटर को फिट करेंगे। ये एंगल कॉक देख सकते हैं, एंगल कॉक हमेशा लगाए ताकि ये भी हमारा सेफ्टी के लिए यूज़ होता है। तो हम देख सकते हैं पानी अभी अच्छे से फ्लो हो रहा है। कनेक्शन पाइप हम चेंज करने वाले थे, बट यहाँ पे पानी का प्रेशर अच्छा आने की वजह से हम वो डिसीजन चेंज कर दिया। लेकिन हम जो है वाइसर अभी हम नया फिट करेंगे। ये एंगल कॉक है, ये इनलेट को ही लगाया जाता है।
ताकि जब भी मेंटेनेंस निकले गीजर का तो हम एंगल कॉक बंद करके पानी को स्टॉप कर सकते हैं। तो ये ऊपर पॉइंट जो दिख रहा है हम जो इनलेट के लिए लगा रहे हैं वो एयर का एयर वॉल है, वो वहाँ से अगर एयर होगा तो निकल जाएगा। अभी रहा कोल्ड वाटर, अभी इनलेट होता है यहाँ पे, तो हमने ये इनलेट हमने लगा दिया। आप देख सकते हैं नीचे इनलेट, यहाँ से ठंडा पानी जाएगा अंदर और यहाँ से वाटर आउटलेट जो दिया है वहाँ से हॉट वाटर बाहर निकलेगा, और साइड में तो गैस का इनलेट दिया हुआ है। तो चलिए करते हैं हम इसे भी फिट और लाइव डेमो भी हम देखेंगे, साथ ही हम ये भी देखेंगे कि एक गैस टाके से दो पॉइंट कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रहा हमारा वॉल मिक्सर, यहाँ से जो है वो गर्म पानी आउटलेट होगा, हम इसे लाइव टेस्ट भी चेक करेंगे। साथ ही साथ हमने एक गैस सिलेंडर से हमने दो पॉइंट कैसे फिट किए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इसको करते हैं फिट। हमेशा याद रखें वाइसर लगाएं और अच्छे से फिट करें प्लम्बिंग टूल से। तो गाइस ये हो गया हमारा फिट, अब हम इसे ऑन करते हैं और लाइव टेस्ट चेक करते हैं। वहाँ पे इंडिकेटर भी है, हमने यहाँ रेगुलेटर ऑन कर दिया गैस का। चलिए अब देखते हैं अंदर, ये पाइप जो है यहाँ से इनलेट हो रहा है, यहाँ से हमने ये गैस को जो हमने बाहर रखा है ताकि वेंटिलेशन मिला रहे, ज़्यादा पैक में गैस ना रखे, अगर पॉसिबल हो तो वेंटिलेशन में इसे फिट करें। तो ये हमने बटन ऑफ़ किया है, अगर ऑफ़ बटन में हम चालू करेंगे तो पानी तो स्टार्ट हो जाएगा बट जो हमारा सिलेंडर है यानी गैस गीजर है वो ऑन नहीं होगा। अब मैं आपको डायरेक्ट ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए अब हमने ऑन किया, ये इंडिकेटर जो है अब ये रेड होके बंद हो गया है, यानी अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में ये बर्न होना चालू हो गया है। मैक्सिमम 10 सेकंड में हमें जो है हॉट वाटर आना चालू हो जाएगा। यहाँ पे मैन्युअली कंपनी ने दिया हुआ है और हम भी अपने हाथ से जो है वहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन दिया है विंटर और समर, उस हिसाब से हमें क्या करना है, विंटर पर रखेंगे तो पानी ज़्यादा हॉट मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर फ्लो को हमें मैक्स करना है और ये जो मिनी है मिनी को ही रखना है, और ऊपर वाला जो सेंटर है उसे हम विंटर की तरफ रखना है। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे बर्नर, ये अच्छे से फ्लो हो रहा है, अब ये हॉट वाटर आना चालू हो गया है। अब हम देखते हैं कि एक गैस सिलेंडर से हम दो पॉइंट कैसे दिए। ये रहा हमारा गैस सिलेंडर, हमने इसे वेंटिलेशन में रखा हुआ है ताकि गैस वगैरह लीकेज हो तो भी वहाँ पे स्मेल ना आए और वो वेंटिलेशन में लगे। यहाँ पे हमने सेफ्टी के लिए गैस को लॉक लगाया हुआ है। अब यहाँ से अभी हम क्या करते हैं, आगे की फिटिंग चेक करते हैं। तो ये रहा हमारा जो गैस निकलने वाला जो पाइप है, इसको हमने क्या किया है, ये टी जॉइंट से हमने जॉइंट किया है। एक पॉइंट जो है हमने नीचे वाले बाथरूम में और एक पॉइंट जो है हमने ऊपर वाले बाथरूम में दिया है। आप ये देख सकते हैं अभी ये जो अभी हमने इंस्टॉलेशन किया है वहाँ का ये पाइप है, और ठीक उसी साइड से जो हमने टी लगाया है, हमेशा याद रखें पॉइंट देने के बाद क्लिप का इस्तेमाल करें। अब ये पॉइंट जा रहा है हमारा ऊपर वाले बाथरूम में। तो चलो गाइस अब ऊपर वाले बाथरूम में भी हम ट्रायल देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, और लाइव डेमो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि पानी कितना गर्म आता है। तो यहाँ तक का फिटिंग अब आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलते हैं हम ऊपर वाले बाथरूम में, आप ये दूर से भी देख सकते हैं, ये ऊपर वाले बाथरूम को हमने पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ पे भी हम देखेंगे। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये प्रोडक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप जैसे हमने नीचे फिटिंग की थी वैसे ही सेम ये गैस का इनलेट आउटलेट ये एंगल कॉक ये सभी यहाँ पे अभी फिट है। पहले मैं फिर से अभी क्या करूँगा, आपको नीचे वाले बाथरूम का ये फिटिंग दिखा रहा हूँ। यह वाल्व मिक्सर तक ये ठीक से गया हुआ है, जो इंडिकेटर वगैरह मैंने डिटेल दिखाई थी ये सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे मैन्युअली सेट करें, फिटिंग अच्छे से करें। जैसे मैंने बताया था ऊपर 6 इंच और साइड में 6 इंच हमें गैप देना है ताकि वेंटिलेशन ठीक से बना रहे। अब यहाँ पे आप इसीलिए स्टे करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कोई भी सवाल हो तो आप गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये रहा ऊपर से 6 इंच और ये रहा इस साइड से 6 इंच, इस तरीके से हम फिटिंग कर सकते हैं
और इसी तरीके से करेंगे तो गाइस आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी गीज़र फिट करने। तो चलिए चलते हैं हम ऊपर वाले बाथरूम में। तो ये रहा गाइस ऊपर वाला बाथरूम, यहाँ भी सेम पोजीशन दिया हुआ है। अब ये गैस गीज़र को मिनिमम कस्टमर को जो है यूज़ करते हुए अभी 7 साल हुआ है। सिर्फ कनेक्शन पाइप और जो है सेल जो है हमारा, बस वही हमने चेंज किया हुआ है, बाकी एज इट इज़ जैसा है सेम वैसा ही वो इस्तेमाल हो रहा है। अभी तक सिंगल मेंटेनेंस भी अभी तक इसका नहीं निकला है। तो चलिए गाइस अब हम इसका लाइव डेमो देखते हैं पानी ऑन करके कि ये एक्चुअल में 3 सेकंड में हॉट वाटर देता है कि नहीं। तो सेम सेटिंग जो हमने नीचे बताई थी सेम एज इट इज़ है। हमें ऊपर 6 इंच और नीचे 6 इंच करना है। ये आप देख सकते हैं वीगार्ड का 6 लीटर का गीज़र है, ये आपको भी आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं साउंड, और ये रहा हॉट वाटर। ये हॉट वाटर अब फ्लो हो रहा है, मैक्सिमम 10 सेकंड में आपको ये वाटर मिलेगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे आपके अपने चैनल सुपर प्लम्बिंग के ऊपर। और ये प्रोडक्ट आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी।